नमस्कार, मैं हूं उत्तम पांडे और आप देख रहे हैं एजेड न्यूज। यूपी में सर्दी का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने सर्दी के साथ बारिश का भी पूर्वानुमान जताया है। बारिश के बाद मौसम और भी बिगड़ेगा। रविवार की शुरुआत भी कोहरे से ही हुई है। प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जारी है, घना कोहरा भी छाया हुआ है। गत दिवस सबसे ठंडी रात अयोध्या में रिकॉर्ड हुई, वहाँ न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया। इसी तरह कानपुर में 4, मुरादाबाद व मैनपुरी में पारा 4.5 डिग्री तक पहुंचा। लखनऊ में न्यूनतम तापमान शुक्रवार के 7.4 डिग्री की तुलना में शनिवार को 5.9 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है, गलन बरकरार रहेगी। फरवरी के पहले सप्ताह में बारिश के भी आसार जताए जा रहे हैं। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता बनी हुई है, इसी कारण सर्दियों की तरतीब बरकरार है। कई इलाकों के लिए ऑरेंज या येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3-4 दिनों तक सुधार के हालात रहेंगे, लेकिन बरसात के बाद ठंड फिर से बढ़ सकती है। 3 और 4 फरवरी को प्रदेश के पश्चिम इलाकों में बारिश के ज्यादा आसार हैं। एईजेड न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और सबसे पहले खबर पाएं।